अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु मगफिरतुहु। आज आपके लिए मैं अफ्तारी स्पेशल ओरिजिनल शादी वाला शाही रोल की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें चाहिए 1 किलो चिकन का कीमा, इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, और इस तरह इसका बिल्कुल मिक्सर में बारीक कीमा बना लें। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं, जैसे कि 1 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ सौंफ। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करें। साथ ही 1 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई कोथमीर ऐड करें। नमक हसबे ज़रूरत, 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, साथ ही 2 टीस्पून ऑयल ऐड करें। इसके बाद 2 टेबल स्पून क्रश हरी मिर्ची ऐड करें, 1 टेबल स्पून चिकन तंदूरी मसाला ऐड करें। आप अपनी मनपसंद कोई भी ब्रांड का इसमें तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। नमक और मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके चिकन में थोड़ा सा भी पानी हो तो इसमें इस पॉइंट पर 2 या 3 टेबल स्पून मैदा ऐड कर सकते हैं। रोल बनाने के लिए देखिए इस तरह इसकी हल्की मोटी प्लास्टिक की शीट ले लें। अगर आपके पास ऐसी शीट ना हो तो कोई बात नहीं, जब हम राशन लेने के लिए जाते हैं या फिर राशन मंगाते हैं तो चावल और दाल के साथ जो हमें प्लास्टिक की थैली मिलती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्लास्टिक की शीट पर और अपने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ताकि जब हम इसका रोल बनाएं तो ये हाथों पर चिपके ना। अब चिकन का एक बॉल बनाएं और इस तरह प्लास्टिक पर हाथ से प्रेस करते हुए फैला लें। ये देखिए इस तरह से चिकन को फैला लें। फिर इस पर 1 चीज़ की स्लाइस रखें और फिर वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसे फोल्ड करके रोल कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल कुक विद शहर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए इस तरीके से रोल बना लें। अब इसे ब्रेड क्रम में अच्छी तरीके से कोट कर लें। ये देखिए इस तरह से यहाँ मैंने सारे रोल रेडी कर ली हूँ। अब इस पॉइंट पर इसे सेट होने के लिए फ्रीज में आधा घंटे के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि ये अभी थोड़ा नरम है तो आप इस वक्त अगर इसे डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। रोल को फ्राई करने के लिए सिर्फ अंडे की सफ़ेदी लें और इसमें बारीक कटी हुई कोथमीर नमक ऐड करें और इसे फेंट लें। इसमें अंडे की जर्दी का इस्तेमाल ना करें। अब एक पैन में 1 कप ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लें। ऑयल मीडियम गरम हो जाए तो इस तरह रोल अंडे में डीप करें और फिर इसे ऑयल में ऐड करें। इस तरह से अंडे की कोटिंग से जब हम रोल को फ्राई करेंगे तो चीज़ मेल्ट होके बाहर नहीं आएगी, इसीलिए अंडे को रोल पे अच्छी तरीके से लगाएं, क्योंकि जब चीज़ मेल्ट होके बाहर आएगी तो फिर चीज़ की वजह से रोल जल जाएगा और अच्छी तरीके से पक नहीं पाएगा। एक साथ ज़्यादा रोल ऐड ना करें, वरना फिर ये आपस में चिपक जाएगा, फिर आप इसे जब पलटने जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। अब इसे एक तरफ लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएं। 2 मिनट बाद इसके साइड को चेंज कर दें। हमें इसे सिर्फ 80% पकाना है, क्योंकि हम इसे डबल फ्राई करने वाले हैं। जब दूसरी तरफ भी 2 मिनट पक जाए तो इसे निकाल लें और इसे हल्का ठंडा कर लें। ये ठंडा हो जाए तो इसे दोबारा सेम ऑयल में मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लें। रोल ऐड करने के बाद इसे दोनों तरफ 2-2 मिनट के लिए फ्राई कर लें, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए और फिर इसे निकाल लें। इस तरह की ब्रेड नाइफ लें और एक रोल में इसके 2 पीसेस कर दें। जब रोल थोड़ा ठंडा रहे तभी इसे काटें, वरना ये गर्म होने की वजह से चीज़ मेल्ट होके बाहर आ जाएगी। अब इसे इस तरीके से क्रॉस कट कर लें, ताकि ये लुक वाइज भी शादियों वाले शाही रोल की फीलिंग दे। माशाल्लाह, ये देखिए इस तरह से। तो लीजिए तैयार है हमारा शादी वाला शाही रोल। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। चलती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।